हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ अवर वीडियो। आज वीडियो हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट हाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, जो घर बनाने में जो कॉस्ट निकलती है वो कैसे निकालते हैं। एक्चुअल कॉस्ट बताऊंगा, ठीक है। जो भी मेथड आप बनवाना चाह रहे हैं घर बनाने से पहले, आप देखना चाहते हैं कि मेरा बजट क्या है, कि मेरी कॉस्ट घर बनाने में कितना कॉस्ट आ जाएगी। जैसे कि आपका घर 30x40 का है, 1200 स्क्वायर फीट हो गया, तो 1200 स्क्वायर फीट में आपको एक सिंगल फ्लोर बनाने में कितना आपका कॉस्ट आ जाता है। तो मेथड हम सीखेंगे तीन मेथड से, जिसमें आप जो घर बनवा रहा है, जैसे जो घर बनवाना होता है वो होता है एक ओनर। जैसे कि आप हो, आपको अपना घर बनवाना है 1200 स्क्वायर फीट का है, तो आप ओनर हो गए। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहला मेथड देखेंगे। तो इस मेथड में आपको क्या करेंगे, तो आप जाएंगे कॉन्ट्रैक्टर के पास, जो एक बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर होगा, एक बिल्डर के पास जाएंगे। आपके पास सिर्फ क्या है, एक प्लॉट है और आपके पास मनी है। तो आपको आप क्या करेंगे, एक ड्राइंग के अकॉर्डिंग आपको पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करवाना है, ठीक है। तो एक ड्राइंग देंगे, ड्राइंग के अकॉर्डिंग उनको स्ट्रक्चर खड़ा करवाना है। तो आप उसको बता देंगे भाई मुझे दो बेडरूम या फिर किचन एक हॉल बनवाना है, या फिर आप एक ड्राइंग दे देंगे भाई ये ड्राइंग है, इसके बेस पे ही मुझे ये बनवाना है। अपने खुद से भी ड्राइंग निकलवा लेंगे, तो वो ड्राइंग आप उसको ओनर को, जैसे कि आप खुद को पास करवा लेंगे उससे, ओनर से, तो कॉन्ट्रैक्टर उसी ड्राइंग के बेस पे एक सिंगल फ्लोर बना देगा। सिंगल फ्लोर जैसे कि आपका 2 स्टोरी बिल्डिंग है या 3 स्टोरी बिल्डिंग है या फिर 3 मंजिला या फिर 2 मंजिला बिल्डिंग है, तो उसमें क्या करते हैं कि एक फ्लोर आपका नप जाता है, उसी फ्लोर का जो रेट होगा वही आपका सेकंड फ्लोर। जैसे कि 1200 स्क्वायर फीट का आपके पास, 1200 स्क्वायर फीट में आपने घर बनाया, तो 1200 स्क्वायर फीट में आपका ये हो गया सिंगल फ्लोर के लिए, ठीक है। इसका सपोज किया 800 रुपये रेट है, तो 800 रुपये रेट जो होगा आपका 1200 स्क्वायर फीट का, तो 1200 एक हो गया, तो 800 × 1200 और यहाँ पे गुना, ये सिंगल एक फ्लोर के लिए है, एक फ्लोर के लिए है। अगर 2 फ्लोर है तो 2 से गुना हो जाएगा, 2 × 1200 × 800। आगे देखते हैं जो इसका रेट निकालते हैं, प्लिंथ एरिया रेट से निकालते हैं। प्लिंथ एरिया कौन सा होता है आपका, जो प्लिंथ है आपका, जिस प्लिंथ पे आप घर बनाते हो। जैसे कि आपका ये घर है, आपको यहाँ पे रूम, बेडरूम, किचन, हॉल, ये जो भी है आपका पास, ये प्लिंथ एरिया है, ठीक है। तो ये प्लिंथ एरिया है, तो इस प्लिंथ एरिया में जितने भी आपने घर बनाया है, जितने पे अपना स्ट्रक्चर खड़ा किया है, वो आपका प्लिंथ एरिया होगा। तो उस एरिया में आपका मेजरमेंट हो जाती है, ठीक है। तो यही मेजरमेंट आपकी होगी कि हमने कितना स्क्वायर फीट में बनाया है। उसके बाद, ठीक है, ओनर हो गया, कॉन्ट्रैक्टर हो गया, और आपका प्लिंथ एरिया रेट निकालेंगे। इसमें आप जो ओनर होगा प्लिंथ एरिया रेट पे देगा, ठीक है। बस घर बनाना फिनिशिंग तक, आपको फिनिशिंग करना है, उसमें क्या क्या आपको वो बता देगा कॉन्ट्रैक्टर। आपको जो ओनर है, जो घर बनवा रहा है, वो कॉन्ट्रैक्टर से कहेगा कि मुझे पेंट वेंट, प्लास्टर, मतलब टोटल काम करके देना है, पेंट, प्लास्टर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, डोर एंड विंडो, एवरीथिंग, ठीक है। तो बेड वेड तो आपका ही रहता है सब कुछ, वो तो आपका आइटम में चला जाता है। अगर आप बेड भी लेते हैं तो वो आइटम में चला जाता है एक्स्ट्रा के अंदर। और जो बाथरूम के अंदर जो फिटिंग्स होती है, फिटिंग्स हो जाएंगी, वो भी इसके अंदर आ जाती है। जैसे कि आपको अलग से गीजर लगवाना है, फिर कुछ और आइटम लगवाने हैं, जैसे फैन लगवाने हैं, तो वो आइटम में जुड़ जाएंगे अलग से। आगे देख लेते हैं फर्स्ट क्लास ब्रिक। फर्स्ट क्लास जो बिल्डिंग है आपकी, फर्स्ट क्लास बिल्डिंग रहेगी, जिसके अंदर आपको डोर, विंडो, पेंट अच्छा पॉइंट रहेगा, अच्छा गेट रहेगा, अच्छा प्लम्बिंग फिटिंग्स रहेगी, टंकी वंकी सब कुछ लगा के देगा आपको कंट्रोल। बस आप आएंगे और रूम में एडजस्ट कर लेंगे। जो विंडो का पर्दा वर्दा होता है, खुद को आपको लगाना होता है, ठीक है। बस आपको आना है और रह जाना है बेड वेड शिफ्ट करके, ठीक है। ये आपका हो गया फर्स्ट क्लास बिल्डिंग के लिए, जिसमें जो रेट होता है 1200 से 1500 स्क्वायर पर स्क्वायर फीट। इसमें हाई रेट आ जाते हैं, जिसमें आपका पत्थर आ जाता है, पत्थर बहुत अच्छा कोयला क्वालिटी का आ जाएगा। उसके बाद बाथरूम में जो फिटिंग्स होती है, CPVC पाइप फिटिंग हो जाएगी, जो टंकी होती है वो भी अच्छी क्वालिटी हो जाएगी, ठीक है, कॉपर के अंदर अच्छी अच्छी जो फिटिंग्स होती है। दरवाजे होंगे आपके सागवान के अंदर हो जाएंगे, जो आपके आ जाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं सेकेंड क्लास बिल्डिंग। सेकेंड क्लास बिल्डिंग का जो रेट होता है 1000 स्क्वायर फीट से 1200 स्क्वायर फीट। जो कॉन्ट्रैक्टर आपको बोल देगा कि मैं जो फर्स्ट क्लास बिल्डिंग का है उसका 1000 से 1200 स्क्वायर फीट का बनाएगा, जो भी आप उसका मैं आइटम बोलेंगे वही आइटम बेस पे वो घर बनाना शुरू कर देता है। जैसे कि दरवाज़ा आपका कौन सी लकड़ी उसमें यूज करेगा, फ्लोरिंग है, फ्लोरिंग में क्या लगाएगा, टाइल लगाएगा या फिर संगमरमर लगाएगा, पत्थर लगाएगा, जीने के अंदर पत्थर कौन सा लगाएगा, तो वो डिपेंड करता है आपके रेट से ऊपर। उसके बाद देख लेते हैं थर्ड क्लास बिल्डिंग। थर्ड क्लास बिल्डिंग होगी जिसमें रेट रहेगा आप 800 से 1000 स्क्वायर फीट। 800 से 1000 स्क्वायर फीट में क्या रेट आता है, जिसमें आपको वो स्ट्रक्चर खड़ा करके देगा। जस्ट इसमें क्या करेगा, वो आपको टंकी जो ट्रैप्स होती हैं वो आपको नहीं लगा देगा, फ्लोरिंग में आपको जस्ट टाइल लगा देगा, ठीक है, या फिर ना भी लगाए
डिपेंड करता है उसके ऊपर, रेट के ऊपर। जैसे कि 800 रुपये ले, 800 रुपये में आपको जस्ट ओनली स्ट्रक्चर खड़ा होगा, ठीक है, जस्ट ओनली क्या होगा, स्ट्रक्चर खड़ा होगा जिसमें आपका कॉलम बीम फुटिंग सब कुछ हो जाएगी, अंदर से प्लास हो जाएगा, अंदर नीचे से का फ्लोरिंग हो जाएगी, ऊपर आपका टेरेस हो जाएगा, पैरापेट हो जाएगा, तो इस तरह से आपका थर्ड क्लास बिल्डिंग का चल जाता है। उसके बाद एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल आपका प्रिंट एरिया, कोई भी प्रिंट एरिया आपके पास रेट है, जैसे कि आपका ये 14x30 है, ये आपका 40 है, ये आपका 30 प्लॉट है, तो 4x12 स्क्वायर फीट है। 1200 स्क्वायर फीट तो है पर, लेकिन आपने घर बनाना कहाँ पे है, इतने प्लॉट पे, ये आपको फ्री स्पेस रखना है। सपोज़ कीजिए आपको 30% या फिर 20 या फिर जो भी परसेंट आपको फ्री रखना है, ये आपका खाली रखना है सेटबैक के लिए, फ्रंट सेटबैक के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, आपने इतने में घर में बनाया तो यही आपका मेजरमेंट होगा। तो ये मेजरमेंट क्या हुआ, 900 स्क्वायर फीट आपका क्या है, प्लिंथ एरिया रेट है। और कॉस्ट निकालते हैं, प्लिंथ एरिया आपका 900 स्क्वायर फीट है और रेट आपने फर्स्ट क्लास बिल्डिंग के अंदर यूज किया, फर्स्ट क्लास बिल्डिंग के लिए, जिसमें आपका अच्छा पत्थर लगाना है, कोटा का कोटा पत्थर लगाएंगे, प्लास्टर अच्छा यूज करेंगे, और प्लम्बिंग जो टैप को यूज करेंगे वो भी अच्छे यूज करेंगे, और उसके बाद आपका काफ़ी आइटम्स आ जाते हैं जो उसमें आपको दे दी जाते हैं, इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। फ्लोरिंग में को बहुत अच्छा मार्बल यूज करना है ग्रेनाइट का, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, रेट के ऊपर। उसके बाद देख लेते हैं दोनों को हम कैलकुलेट करते हैं, तो 10,80,000 रुपये आपके पास कॉस्ट आ जाती है इतने एरिया की, 900 स्क्वायर फीट एरिया का जिसमें आप घर बना रहे हैं, ठीक है। ये आता है आपके पास सिंगल स्टोरी के लिए, अगर डबल स्टोरी है तो 2 से गुना जाता है, 2×900 और 2×1200, ठीक है। तो ये 2 स्टोरी के लिए, सिंगल स्टोरी के लिए हो जाता है, जैसे कि एक मंजिला है, 2 स्टोरी के लिए इस तरह हो जाता है। उसके बाद देख लेते हैं मेथड टू सबसे बेस्ट रहता है ऑलमोस्ट, जिसका बजट कम होता है वो क्या करता है, एक ओनर है जिसको घर बनवाना होता है, वो कॉन्ट्रैक्टर के पास जाता है, तो कॉन्ट्रैक्टर से क्या कहता है कि भाई मटेरियल तो सारा मेरा ही रहेगा, मैं ओनर क्या रहता है, जैसे कि मैं अपना घर बनवा रहा हूँ तो मैं कॉन्ट्रैक्टर के पास जाऊँगा, मैं उसको कहूँगा भाई मेरा सारा जो मटेरियल है मेरा ही रहेगा, मैं खुद मटेरियल सब दूंगा, सीमेंट सैंड एग्रीगेट आपका मार्बल फ्लोरिंग के लिए भी, टाइल्स के लिए भी, जैसे भी जो भी मुझे आइटम लगवाना है सब कुछ मैं ही लगाऊँगा। बस आपको क्या करना है, एक लेबर रेट पर काम करना है। तो लेबर रेट पर कैसे काम करेगा, तो वो आइटम वाइज करेगा, जैसे कि आपको ब्रिक वर्क करना है, प्लास्टर करना है, पेंट करना है, दरवाजे को लगाना है, अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर को वो पकड़ता है। जो एक कॉन्ट्रैक्टर होगा जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर खड़ा करेगा, वो क्या करेगा, स्लैब एरिया रेट ले लेगा, जो स्लैब होती है, जो आपकी छत होती है, जैसे कि छत हो गई तो उसमें जो छज्जा निकला रहता है बाहर, जो छज्जा निकला रहता है बाहर वो ही मेज़र करता है, ठीक है। तो कोई कॉन्ट्रैक्टर होता है कि ये स्लैब से लेता है, कोई कॉन्ट्रैक्टर होता है आपका प्लिंथ एरिया से लेता है, जो भी प्लिंथ एरिया होता है उस एरिया से लेता है, ठीक है। जैसे कि मैं घर बनवा रहा हूँ तो मैं कॉन्ट्रैक्टर पास जाऊँगा, तो कोई एक तो मुझे मिलेगा कि भाई मैं पूरे छज्जा का नापता है, जो स्टैंडर्ड होता है वो पूरा नापता है, जो सनसाइड भी होता है, छज्जा भी होता है बाहर का, और जो मोस्टली जो बीच वाला जो होता है वो क्या करता है, बस एक प्लिंथ एरिया से रेट से ही दे देता है। ये थोड़ा मेथड रॉन्ग होता है, ये एक्चुअल होता है, इसमें ही उसको कुछ बचता है छज्जे में जो होता है। उसके बाद देख लेते हैं जो उसका रेट ऑलमोस्ट चल रहा है घरों के अंदर कहीं पर, जो ऑलमोस्ट आर पास में चल रहा है, जो मेरी अकॉर्डिंग चल रहा है, तो वो चल रहा है 120 से 250 स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट। जैसे कि सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है, उसमें पता है उसको ज़्यादा खर्चा आना है तो वो क्या ले लेगा, उससे 250 स्क्वायर फीट ले लेगा। अगर उसको पता है कि तीन मंजिला, जैसे कि फर्स्ट मंजिल, सेकंड मंजिल, फर्स्ट स्टोरी, सेकंड स्टोरी, थर्ड स्टोरी, तो तीन स्टोरी बिल्डिंग है, तो उसमें उसको बच जाता है। जैसे फुटिंग का जो फुटिंग होती है, एक फुटिंग जो फाउंडेशन होती है, फाउंडेशन के अंदर तो आपका एक स्टोरी बिल्डिंग ही ढक जाता है, तो इस बेस पे वो ज़्यादा रेट ले लेता है पर स्टोरी के लिए, ठीक है। तो 1220 से 220 स्क्वायर फीट एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपका कोई प्लॉट है 150 रुपये स्क्वायर फीट, जो आपको जो छज्जा है, जो स्लैब है, आपको घर बना रहे हैं तो सन स्लैब रहेगा 1200 स्क्वायर फीट का, प्लॉट एरिया आपका 12 स्क्वायर फीट, तो 1200 स्क्वायर फीट का आपका एक प्लॉट है, उसमें आपका जो छज्जा आ रहा है बाहर 120 स्क्वायर फीट का आ रहा है, तो दोनों को ये मेजरमेंट होगा, तो कितना हुआ 1300 स्क्वायर फीट आपका ये एरिया बन गया छज्जे का, सनसेट तक प्लॉट का एरिया जिसमें आपका घर बनाया, प्रिंट एरिया, ठीक है। ये प्लॉट एरिया नहीं आएगा, इसमें आएगा प्रिंट एरिया, ठीक है, ये प्लिंथ एरिया आएगा, प्लिंथ में जिसमें आप घर बनाते हो उसमें छज्जे निकालते हो, दोनों साइड निकाल देते हो, वो आपका मेजरमेंट होगा, तो इसमें सन साइड आ गया 120 स्क्वायर फीट, तो टोटल कितना हुआ 1300 स्क्वायर फीट। तो हाउस कॉस्ट क्या से निकालेंगे, अब आपके पास जो स्लैब का एरिया आया 1300 स्क्वायर फीट और जो रेट है 150 स्क्वायर फीट, तो ये दोनों का हम जोड़ते हैं तो 198,000 ये आपका कॉस्ट आ जाता है। तो सबसे बेस्ट ये रहता है कि इसमें क्या रहता है कि आप खुद से ही कॉस्ट, खुद से ही आप मटेरियल मंगाते हो, खुद से ही एज पर ड्राइंग
मंगाते हो, ठीक है। तो जो मटेरियल आपको होता है क्वालिटी सीमेंट चाइना के लिए मटेरियल होता है, इसमें क्या करना होता है आपको, खुद से ही सब कुछ असेंबल करना होता है, खुद से ही टाइम देना होता है। मेथड नंबर तीन, मेथड नंबर तीन क्या होता है, ये लो बजट विलेज सब, ये सबसे जो मेथड होता है ये क्या हो, कहाँ पे होता है, जहाँ पे जैसे कि एक गाँव है या फिर एक शहर है तो उसमें बजट उसका कम है, तो वो बजट के अकॉर्डिंग क्या करता है, खुद से ही, जैसे कि मैं हूँ तो मैं अपना मकान खुद से बनवाऊँगा, मैं ही इसमें खुद कॉन्ट्रैक्टर रहूँगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे मटेरियल भी मेरा ही रहेगा, लेबर भी मेरी रहेगी, लेबर भी मैं ही लगाऊँगा और लेबर भी मैं ही लगाना है। तो अब मुझे क्या करना है, टोटल कॉस्ट अब निकालना है। टोटल कॉस्ट क्या निकालेगा, इसमें शेड्यूल निकलता है। जैसे कि अपने एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि सीमेंट आपको फिनिश शुरू से स्टार्टिंग वर्क से लेकर एंड तक कितने सीमेंट बैग लगे, सीमेंट बैग्स जितने भी लगे उससे आपका जो रेट होता है सीमेंट का वो आपका गुना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं सैंड, कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कितना आपका सीएफटी सैंड लगा और कितना रेट है, जैसे कि सपोज कीजिए 40 रुपये, तो उसमें आपका गुना हो जाएगा टोटल रेट से। एग्रीगेट कितना स्क्वायर फीट, कितना क्यूबिक फीट लगा, रेट कितना हुआ सपोज कीजिए 50, तो कितना टोटल हो गया। स्टील का देख लेते हैं, कितना केजी आपका स्टील लगा 8 mm का बार में सपोज कीजिए, तो उसका जो रेट चल रहा है सपोज कीजिए 55 रुपये, तो टोटल आपका स्टील का जो कॉस्ट आ जाता है। तो वो क्या होता है, इसमें आइटम रेट जो भी होते हैं शेड्यूल बनता रहता है आपका खुद से। जैसे मैं हूँ, मैं खुद शेड्यूल बनाता रहूँगा, मेरे पास स्टार्टिंग से लेकर फिनिशिंग वर्क तक मेरा कितना मटेरियल लगा, या जैसे यहाँ पे मैंने देखा कितना मेरा मटेरियल लगा है और कितनी मेरी लेबर लगी है। लेबर कहाँ पे आ जाती है, ब्रिक वर्क, प्लास्टर, आपका फिर लिंटल के ऊपर, फिर फाउंडेशन में, फिर आपका पेंट के ऊपर, फिर आपका वुडन डोर विंडोज के अंदर, तो मेरा कितना खर्चा आया, मैं सब आपका जोड़ता रहूँगा, लास्ट में ही मैं इसका कॉस्ट फाइंड आउट करूँगा। जो भी मेरा लास्ट में कॉस्ट फाइंड आउट आएगा, जितना भी सपोज लास्ट में आएगा, सपोज कीजिए मेरे पास 20 लाख रुपए कॉस्ट आ गया मेरा घर बनाने में, 2 मंजिल 2 फ्लोर, तो 2 फ्लोर इसको 2 से मैं डिवाइड कर दूंगा, ये सिंगल फ्लोर के लिए आ जाएगा। अब मेरा प्लिंथ एरिया है, प्लिंथ एरिया जो रेट है मेरा, सब प्लिंथ एरिया में सपोज कीजिए 1200 स्क्वायर फीट है, 1200 स्क्वायर फीट एरिया है प्लिंथ एरिया। तो अब मैं क्या करूँगा, इस रेट से मैं प्लिंथ एरिया से भाग कर दूँगा, सपोज कीजिए यहाँ पे 10 लाख आ गया, इसको 2 से भाग करेंगे, 2 मंजिल बिल्डिंग है, तो मैं इसको 10 लाख से भाग कर दूँगा, कितना से, 1200 से, तो 1200 से मैं इसको भाग करूँगा, तो वो आ जाएगा मेरा रेट, प्लिंथ एरिया रेट, ठीक है, कितना स्क्वायर फीट मेरा कितना रेट आया, ठीक है। तो इस तरह से हम कॉस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।